हेलो फ्रॉम एलएफई। आज मैं हूँ एलएफई में और मैं आई हूँ बोट राइड करने के लिए। यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी फॉर एन आवर इन दिस बोट। ये बोट को बोट राइड भी बोलते हैं या तो शिकारा राइड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बोट बुक किया है अपने अकेले के लिए। मैं सोलो राइड कर रही हूँ एंड दिस बोट इज़ बुक फॉर मी। और ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैंने पे किया हुआ है 500 रुपीज़ फॉर वन आवर फॉर दिस बोट राइड। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो कवर नहीं कर पाऊँगी बट आई वॉन्टेड टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बोट राइड हियर इन एलएपी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो अभी मेरा बोट राइड चालू है। हेलो फ्रॉम कोची। आज मैं हूँ कोची में और मैंने कोची में एलएपी के बारे में बहुत सुना है तो मुझे बड़ा मन कर रहा है एलएपी जाने के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं और यहाँ से एलएपी इज 60 किलोमीटर्स। तो ये 4 घंटे में मुझे कोची से एलएपी जाना है और एलएपी से रिटर्न कोची आना है और वहाँ का फेमस बोट राइड बैक वाटर्स में करना है। तो मैं आ गई ऑटो रिक्शा पकड़ के थोपूमुड़ी बस स्टैंड पे और वहाँ से मैंने ये हरी वाली बस पकड़ ली जो जाती है एलएपी। और अब मैं यहाँ से टिकट खरीद रही हूँ एलएपी जाने के लिए। 75 I was going to LAP for the first time और मुझे कोई आइडिया नहीं था ये जगह के बारे में और मुझे करना था LAP में बोट राइड वो भी लिमिटेड टाइम में। मैं पहुंच गई आलापूजा बस स्टैंड पे 2 घंटे के बाद और यहाँ पे मुझे मिली एक लेडी टीचर जिससे मैंने इंक्वायरी किया बोट राइड के लिए। और ये टीचर ने मुझे कांटेक्ट करवाया उनके कजिन ब्रदर से जो बोट राइड करवाते हैं। उनके कजिन ब्रदर ने मुझे पिकअप किया आलापूजा बस स्टैंड से और मुझे लेके जा रहे हैं उनके गाँव एनफील्ड राइड करवाते हुए। और हम लोग ने रास्ते में बहुत चिट चैट किया और गाँव के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुँच रहे हैं बोट राइड वाला स्टार्टिंग पॉइंट में। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ और ये बोट से मैं जाने वाली हूँ बोट राइड के लिए। मुझे ये जगह के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था और बोट राइड के पैकेजेस के लिए या तो रेट्स के लिए भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मुझे जो रेट बताया गया था उसमें मैंने थोड़ा सा निगोशिएट और बार्गेन करके ये बोट बुक किया था अपने लिए। और इसके लिए मैंने पे किया था 500 रुपीज़ 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटे में वो लोग मल्टीपल साइट सींग पॉइंट्स कवर करते हैं लेकिन मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था तो मैंने वो भी कम करवा दिए थे। मुझे एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि ये पूरा बोट मैंने बुक किया है अपने लिए। और अब मैं जिनके साथ बोट राइड के लिए जा रही हूँ उनका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये है मिस्टर देवानंद जी जिनका ये बोट है और ये बोट उन्होंने 2 दिन के पहले ही रेनोवेट करवाई है एंड आई एम दी फर्स्ट कस्टमर जिसके लिए उन्होंने 13 लाख पे किए हैं। तो इनके साथ मैं जा रही हूँ बोट राइड के लिए और इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है और बहुत ही अच्छी मलयालम। इन्होंने मुझे एलएपी के बारे में बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जो सुन के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं ये जगह पे पहली बार आई हूँ और वो भी अकेले आई थी और यहाँ के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बोट पे मैं अकेले थी। बट देवानंद जी के साथ बात करते करते मुझे पता चला कि ये जगह बहुत ही सेफ है। एनीबडी कैन ट्रैवल हियर सोलो। ये हाउस बोट है और यहाँ पे आप अंदर स्टे भी कर सकते हो। एंड दिस इज द हॉस्पिटल। कितना क्यूट लग रहा है। लाइफ इज़ सो सिंपल हियर। आई मीन कितना पीसफुल लग रहा है ये राइड में मुझे। यहाँ पे मेरे साथ जो बोट ओनर है, ये बोट अभी सेकेंड है बोट का और आई एम द फर्स्ट कस्टमर, तो वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे लाइफ इज़ वेरी सिंपल और सबके पास मोस्टली एक एक बोट होता है एंड दिस बोट इज़ ऑफ 12 लैक्स। और
बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत हम लोग ही कॉम्प्लिकेट करते हैं. आई एम रियली लविंग इट हियर. आई एम इन लव विद दिस प्लेस. यहाँ पे सबने लाइफ में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए. ये प्लेस की बात ही कुछ अलग है. द राइट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज विंटर. अभी तो इट इज टेरिबली हॉट. द टेम्परेचर इज 36 डिग्रीज एंड आई एम लिटरली बर्निंग. I am thoroughly enjoying this boat ride and this mesmerizing view in front of me. This is so amazing. Before reaching here, my mind was fully cluttered with thoughts. I was tensed and I was constantly thinking. But yahan pe aake main sab kuch bhool gayi hu. I am in present, I am in the moment, and I am enjoying each and every bit of this moment. This is the Punnamada Lake, and this is the deepest lake of LAP. यहाँ पे द वर्ल्ड फेमस द नेहरू स्नेक बोट राइड रेस होता है और वो साल में एक ही बार होता है, अगस्त महीने के सेकेंड सैटरडे पे. और ये है हाउस बोट स्टेज जो आपको बैकवाटर के साइड पे दिखेंगे. एलएपी को आलापुजा के नाम से भी जाना जाता है और ये है आलापुजा टर्मिनल. आलापुजा को मलयालम लैंग्वेज में कुछ अलग तरीके से ही प्रोनाउंस करते हैं जो मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था. ये रिसॉर्ट है. अगर आपको हाउस बोट में नहीं रहना है तो आप यहाँ पे बहुत सारे रिसॉर्ट्स एंड होमस्टे हैं, वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो. यहाँ पे बोट राइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं. इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ड्यूरेशन और वो ड्यूरेशन में वो लोग साइट सीइंग पॉइंट्स कवर करते हैं जिसमें आपको मील भी प्रोवाइड किया जाता है और हर पैकेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं. मेरा बोट राइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पे फिर से आने वाली हूँ टू विजिट केरला और एलएपी. द बेस्ट टाइम इज़ टू विजिट इन विंटर क्योंकि बारिश के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और समर के टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप होती है. तो ओनली प्लेजेंट टाइम इज़ विंटर, तो यहाँ पे आपने विंटर में विजिट करना चाहिए. मेरा बोट राइड ख़त्म हो गया है और मैंने देवानंद जी को 500 रुपीस पे कर दिए हैं. आई हैड अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. आपको ये जो सामने दिख रहा है वो बोट स्टैंड है और इसी के एग्जैक्टली सामने आलापुजा बस स्टैंड भी है जो मुझे नहीं पता था. तो आप यहाँ पे कभी भी आओ तो आलापुजा बस स्टैंड के सामने ही आपको ऐसे बोट स्टैंड भी दिखेगा जहाँ से आप बोट हायर कर सकते हो और आपको बहुत ही रिजनेबल रेट में बोट राइड करने मिलेगा. और यहाँ से अब मैं जा रही हूँ कोची और मुझे यहाँ पे एसी बस मिल गया है और 60 किलोमीटर्स के लिए इट इज़ जस्ट 125 रुपीज़ इन दिस एसी बस. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो. माई यूट्यूब चैनल इज़ राठौर निशा जीवराज और मेरे ट्रैवल अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ राठौर निशा जीवराज. And thank you very much for watching this vlog.